लोगों में अभी भी उतना मुझे लगता है उतनी जागरूकता नहीं है, तभी इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, वाका होते हैं, काफ़ी लोगों की जाने जाती है फायर की वजह से। तो क्या सर कोई लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आपके द्वारा इंट्रोड्यूस करे जाएंगे या किए गए हैं क्या सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैडम जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इक्विपमेंट्स है वो तो है जी। लेकिन वो है फायर इंसिडेंट होने के बाद का जी, जी, जी। जो हमारी एनालिसिस है कि 6% के करीब जो फायर की इंसिडेंट हुई वो सिर्फ हुई है गैस के लीकेज के कारण। वो लीकेज या तो पाइप से हुआ है जी, या तो नॉब खुले रहने से हुआ है जी, जी, गलती से खुला रह गया और ये हो गया। तो वैसी स्थिति में हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि भाई हम जब किचन का काम खत्म किए तो याद में डाल लें कि हमको नॉब को चेक कर लेना है, ताकि हम बंद करके ही जाएं, चाहे 2 मिनट के लिए भी जाएं तो हम किचन का गैस का जो हमारा रेगुलेटर हम ऑफ कर लें। साथ ही साथ जो वो पाइप है दैट इज़ वेरी वनरेबल, जो आपके चूल्हे के साथ जुड़ा हुआ पाइप है, होता क्या है कि ISI मार्क के, मे बी आई डोंट नो कि पाइप की कीमत क्या है एग्जैक्टली, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन हम क्या होता है कि कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो हमारी तवज्जो होती है, अरे सस्ता मिल रहा है तो हम इसको ले लें और हम लोकल वो पाइप लगा देते हैं। और पाइप क्या है कि गैस के आने जाने से, चूंकि कई बार वो गर्म भी होता है, कई बार लाइफ हर चीज़ों का है, पाइप में लीकेज आ जाती है और हमें पता नहीं चलता है। और जैसे ही हम गए आग जलाने के लिए और इग्नाइट होता है और उसमें हम भी जलते हैं और इंसिडेंट हो गया होता है। तो हम यदि टाइमली, हर घर के लोग खास करके महिलाएं हैं इतनी अटेंटिव रहें कि पाइप जो है उसका रोटेशनल बेसिस पर जरूर चेंज कराएं। 20% इस जम्मू रीजन में जो फायर का इंसिडेंट होता है वो सिगरेट जो पी करके लोग फेंक देते हैं उसके बट से होता है। वो जनरली ओपन एरिया में होता है ये आग, खास करके खड़ी फसल है, अभी गर्मी का समय है तो आप देखेंगे कि जम्मू के इन जिलों में जहाँ पर खेती ज़्यादा होती है वहाँ फायर इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही सिगरेट का बीट है। शाइनी डे जेके में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आलोक कुमार सर है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे ये सर ये जो फायर वीक मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में सर कुछ बताएं। एक हादसे से एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई है 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उन्हीं दिनों कराची से एक बहुत बड़ा शिप वेशल जो होता है समुद्री जहाज चल करके मुंबई के विक्टोरिया बंदरगाह पर रुका हुआ था, उस पर लाखों टन कॉटन के बॉल थे, इसके अलावा और भी सामान था और हजारों टन उस पर एक्सप्लोसिव था। किसी कारण से उसमें आग नमूदार हुआ और उसको बुझाने के सिलसिले में हमारे मुंबई फायर सर्विसेज के जवान और ऑफिसर्स वहां गए। उससे चूंकि एक्सप्लोसिव भी था और दूसरी इंसिडेंट उसी के दौरान ही हुआ और उसमें इतना विभीषण आग था कि उसकी लपटों के बारे में जो उस समय की मीडिया और आपके खास करके आज की हमारी नेट और उससे सिस्टम से पता लगता है कि कई स्टेट तक उसकी लौ दिखाई दी थी और आवाज़ सुनाई दिया था। और उस समय के सबसे दुनिया के अंदर सबसे विभीषण आगों में से एक था, जिसमें करीब 800 लोगों की जाने गई थी, 231 हमारे डिफरेंट सर्विसेज से जुड़े हुए अपने फायर सर्विस और सर्विसेज से जुड़े हुए स्टाफ्स थे, कर्मी थे, और करीब 2400 से ज़्यादा लोग उसमें जख्मी हुए थे शदीदी तौर पर। 1955 में फायर स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी बनी, चीफ ऑफ फायर्स जो पूरे कंट्री के हर लोगों की कमेटी थी, वो भारत सरकार को उसने अपने रिकमेंडेशंस दिए। उस रिकमेंडेशन के बाद से 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे के तौर पर फिक्स किया भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, और इस वीक को
जो 14 से 20 का अप्रैल का जो वीक है, इसको फायर सेफ्टी वीक के तौर पर मनाने का डिसीजन लिया गया, उसको बंद करें जी। और इसमें डिफरेंट इवेंट्स को भी जोड़ा है हमने, हर दिन 7 डेज 7 तरह के इवेंट्स, इवन एक दिन में कई इवेंट्स भी जोड़े गए हैं, और जिससे कि पब्लिक में एक तो रुझान भी हो, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़े और रोचक भी रहे, लोगों की पार्टिसिपेशन भी लोगों में बढ़े। हमने फ्री इसी में फ्री मेडिकल कैंप्स टाइप की चीज़ों का भी हमने किया है कि ताकि पब्लिक को हम कुछ ऐड दे सकें, कुछ एनजीओ के साथ जोड़ करके भी हमने अपने जो भी हमारे रिसोर्स थे उनको भी यूटिलाइज करा है। और हमने एक्चुअली 5 साल के जो डाटा है उसको एनालाइज किया, यही 5,500 के आसपास का है, हर साल की घटना घटती है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की संपत्ति इसमें इन्वॉल्व होती है, दर्जनों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और नो रीजन इंसिडेंट है, घटना है। जब एनालिसिस हमने जो देखा और उसके हिसाब से जो वर्कआउट किया है, 34% इंसिडेंट जो हमने नोट किया है हमारे रिपोर्टिंग में आता है, तो हमने कुछ चीज़ों को जीरोइंग करने के लिए कॉज ऑफ फायर किया था, तो 34% इंसिडेंट टोटल इंसिडेंट, मतलब 5,800 में 34% इंसिडेंट सिर्फ हुए हैं वो है इलेक्ट्रिक फिटिंग की के कारण। अब फिटिंग में स्विच भी है, स्विच ओवर वो जो चेंज ओवर भी है, सर्किट भी उसका है और वायरिंग भी है। तो लिहाजा हम लोगों से जो अवेयरनेस के माध्यम से आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम हर लोगों की एक जनरल टेंडेंसी क्या है कि एक बार घर बनाया, एक बार अंडरग्राउंड फिटिंग किया या ओवरग्राउंड फिटिंग किया, और हम समझते हैं कि हमारी फिटिंग ताउम्र ठीक है और सब कुछ ठीक चल रहा है, और छोटे मोटे स्पार्क आता है तो हम ध्यान भी नहीं देते। कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिक के फ्लक्चुएशंस आते हैं वोल्टेज में और हम ध्यान नहीं देते हैं और उससे आग निकलती है, और धीरे धीरे करके चूंकि फायर इग्नाइट करने वाले सामान भी तो हमारे आसपास ही बिखरे होते हैं, तो 34% इंसिडेंट सिर्फ हुआ है फायर फिटिंग के से जुड़ा हुआ। थैंक यू वेरी मच। ये डायरेक्टर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के हमारे साथ आलोक कुमार सर थे, काफ़ी अच्छी जानकारी इन्होंने दी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये वीडियो आप ध्यान से देखें और इन चीज़ों का बिल्कुल जायज़ा लें आप, ताकि आप अपना घर बार और खुद को सुरक्षित रख सकें। कीर्ति दर, शाइनी डे जेके।